नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 10.1 क्षेत्र मिति के सवाल नंबर 16 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 15 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे, आपको ये सवाल अच्छे से समझने हैं। तो देखो सवाल नंबर 16, निम्न प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। बेटा आपको जो ये आकृतियां दे रखी है इनका परिमाप ज्ञात करना है और फिर जो उत्तर आएगा उससे क्या निष्कर्ष निकलता है ये भी बताना है। तो पहले हम परिमाप ज्ञात करेंगे फिर निष्कर्ष देखेंगे। तो देखो सबसे पहले इस आकृति की बात करते हैं। परिमाप का मतलब क्या होता है मैंने अच्छी तरीके से समझा रखा है, कोई भी आकृति है उस आकृति की जो ये बाउंड्री है इस बाउंड्री की कुल लंबाई क्या होती है, इसका परिमाप होती है। मतलब सभी भुजाओं को हम जोड़ लेंगे, 25 + 25 + 25 + 25, तो इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। ठीक है ना, परिमाप का मतलब इस बाउंड्री की कुल लंबाई होती है। तो देखो हमें इसका क्या निकालना है, परिमाप। लेकिन आपको इस आकृति में कुछ ऐसी चीज दिख रही है जो कुछ अलग दिख रहा है क्या? हाँ देखो, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25, चारों भुजाएं बराबर है। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसका परिमाप हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। कैसे, देखो चार भुजा बराबर है तो 4 × भुजा हो जाएगी। ठीक है, 4 × भुजा। अब देखो 4 का तो 4 × भुजा कितनी बेटा, 25। ठीक है, अब 25 को 4 से गुणा करेंगे, 4 × 20 हासिल का 2, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस आकृति का परिमाप कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। या तो आप ऐसे निकालो, अगर मान लो ये दिमाग में नहीं आता है तो सबको जोड़ दो, 25 सेमी, ठीक है, प्लस 25 सेमी, फिर प्लस 25 सेमी, फिर प्लस 25 सेमी, चार बार है ना, चार भुजा है तो 25 25 जोड़ेंगे सबको, 25 और 25 50, 25 और 25 50, 50 और 50 कितना हो गया, 100 सेमी हो गया। ठीक है ना, तो आप ऊपर वाला जो तरीका है इसे करोगे तो भी सही है, इस तरीके से करोगे तो भी सही है। ठीक है, अब देखो बी वाली आकृति, इसमें देखो बेटा इसमें भी परिमाप निकालना है। अब इस आकृति में भी कुछ अजीब दिख रहा हो आपको, ऐसा दिख रहा है क्या, देखो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 20, ये भी 20, आमने सामने की भुजा बराबर है और आमने सामने की भुजा कौन से आकृति में बराबर होती है, आयत में। तो यहां पर हम आयत वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, आयत का परिमाप का क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई + चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई + चौड़ाई। अब 2 का तो 2, लंबाई ये हो गई कितनी बेटा 30, प्लस चौड़ाई हो गई कितनी 20। ठीक है, 2 का तो 2, ठीक है 30 और 20 कितना हो गया 50। देखो 2 का तो 2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा आ जाएगा। अब देखो 0 का तो 0, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो बताओ बेटा इसका परिमाप कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर आ गया। तो देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर है ना, तुमने आयत के परिमाप का सूत्र लगा दिया जो आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अगर मान लो सूत्र दिमाग में नहीं आता है तो फिर ऐसे करोगे, सबको जोड़ लोगे, 30 + 20 + 30 + 20 सबको जोड़ लोगे तब भी उत्तर कितना आएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, अब देखो सी में भी आपको कुछ दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 10, ये भी 10, मतलब इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। मतलब ये भी क्या है, एक आयत है, तो ये वाला सूत्र लगा सकते हो। ठीक है, तो यहां भी हमें क्या निकालना है, परिमाप। तो 2 कोष्ठक लंबाई + चौड़ाई, 2 का तो 2, लंबाई ये हो जाएगी 40 और चौड़ाई ये हो जाएगी 10, 2 का तो 2, 40 और 10 कितना हो गया 50, 2 का तो 2, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा कितना 50। अब गुणा करेंगे 0, 5 × 2 = 10, इसका भी कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब देखो डी वाली आकृति, अब बेटा ये त्रिभुज है, ठीक है ना, इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर होती तो सूत्र लगा लेते, लेकिन तीनों भुजाएं बराबर नहीं है ना, तो तीनों को ही जोड़ लेंगे, मतलब हम क्या निकालेंगे, परिमाप। ठीक है, तो कैसे, सबको जोड़ लो, 40 सेमी + 30 सेमी +
फिर 30 सेमी, ठीक है ना, सबको जोड़ लेंगे। परिमाप का मतलब इस बाउंड्री का योग होता है। देखो 40 और 30 कितना होता है बेटा, 70, 70 और 30 कितना होता है 100 सेंटीमीटर, कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आगे सभी का परिमाप, अब इन सभी के उत्तर देखो, उससे क्या निष्कर्ष निकला, इसका उत्तर भी 100, इसका उत्तर भी 100, इसका उत्तर भी 100 और इसका उत्तर भी 100, मतलब क्या निष्कर्ष निकला, सभी आकृतियों का परिमाप समान है। तो यहां निष्कर्ष में लिखेंगे, निष्कर्ष ये निकला कि सभी आकृतियों का परिमाप परिमाप समान है। आ गया समझ में, ऐसे करना है, ठीक है, उतारो। सवाल नंबर 17, अवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है जिसकी प्रत्येक भुजा 1/2 मीटर है और वह इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है। एक लड़का है अवनीत, वो 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है जिसकी भुजा की लंबाई 1/2 मीटर है और वह इनको एक वर्ग के रूप में रखता है, जैसा कि यहाँ पर इस चित्र में रखा गया है वर्ग के रूप में। यहाँ पर बेटा ये इसमें 9 टाइलें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और जो ये एक टाइल है ना, ये एक टाइल, इस टाइल की जो ये भुजा है उसकी लंबाई है 1/2 मीटर, ठीक है। फिर ये अगली टाइल आ गई तो इसकी भुजा भी 1/2, फिर ये अगली टाइल आ गई तो इसकी भुजा भी 1/2, ठीक है। नए वर्ग का परिमाप क्या है, अब बेटा इन टाइलों को रखने पर ये जो नया वर्ग बना इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। तो बताओ वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, वर्ग की भुजा होनी चाहिए ना, इस भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे हम, ठीक है। देखो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे नए वर्ग की भुजा, तो बताओ बेटा नए वर्ग की भुजा मतलब यहाँ ये पूरी आएगी ये लाइन, देखो 1/2 ये यहाँ, 1/2 ये यहाँ और 1/2 ये यहाँ, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तीनों को जोड़ेंगे। तो देखो ये देखो तीनों में लस लेना पड़ेगा ना, जब भिन्न वाली संख्याओं को आप जोड़ते हैं तो लस लेते हैं और लस कितना आएगा 2 आएगा, नीचे तीनों समान है ना, ऊपर भी तीनों एक जैसे, लिखो 1 + 1 + 1, तो 1, 2, 3 और 2, मतलब नया जो वर्ग बना उसकी ये भुजा इसकी लंबाई कितनी आई 3/2 मीटर, ये भी 3/2 मीटर हैं, ये भी 3/2 मीटर हैं, ये भी 3/2 मीटर हैं और ये भी 3/2 मीटर हैं, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। अब देखो अब हमें निकालना है नए वर्ग का परिमाप, बताओ बेटा वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, क्या होता है 4 × भुजा, ये होता है ना वर्ग का परिमाप का 4 का, तो 4 × भुजा कितनी निकाली हमने 3/2, ठीक है। अब देखो 2 का भाग 4 में लगाएंगे 2 बार, 2 × 2 = 4, अब 2 को 3 से गुणा करेंगे, 3 × 2 = 6 और क्या आ जाएगा मीटर, ठीक है। तो बताओ बेटा जो नया वर्ग बना टाइलों को रखने पर उसका परिमाप कितना आया 6 मीटर आया, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इस टाइल को इस टाइल से और इस टाइल से, इनसे हमने क्या निकाली नए वर्ग की भुजा जो कितनी आई 3/2, अब नए वर्ग का परिमाप 4 × भुजा, 4 का तो 4, भुजा कितनी 3/2, ठीक है। अब देखो दूसरा मतलब बी वाला सवाल क्या पूछा इसने, शेरी को उसके द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती है, एक लड़की है शेरी जो इस तरह से टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती है, वह इन टाइलों को क्रॉस के रूप में रखवाती है, इस व्यवस्था का परिमाप क्या होगा। शेरी को इस तरह से टाइलें रखना पसंद नहीं आया, वह इसको इस तरह से रखवाएगी क्रॉस के रूप में रखवाती है, ठीक है ना, इस तरह से क्रॉस के रूप में रखवाती है। तो अब इसका परिमाप ज्ञात करना है हमें, तो देखो इसका परिमाप हम कैसे निकालेंगे, परिमाप का मतलब होता है बेटा इस बाउंड्री का टोटल योग, इस बाउंड्री का टोटल योग, ठीक है। अब देखो यहां पर ये एक टाइल रखी है, इसका मतलब इस टाइल की भुजा कितनी है 1/2, यहां भी 1/2,
ये देखो, ये भी एक बटा दो, 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 ठीक है। अब देखो बेटा, जब हम एक बटा दो को एक बटा दो में जोड़ते हैं, देखो यहां से यहां तक एक बटा दो, यहां से यहां तक एक बटा दो ही है ना, तो जब एक बटा दो और एक बटा दो को जोड़ेंगे, एक बटा दो और एक बटा दो, ये आधा और आधा, आधा और आधा कितना हो गया एक, एक बटा दो का मतलब आधा होता है ना, तो आधा और आधा कितना होता है एक होता है। या फिर यहां भी लघुत्तम ले लो, कितना आएगा दो, नीचे दोनों समान तो ऊपर भी दोनों समान, एक और एक दो बटा दो, और दो का भाग दो में एक बार, ठीक है ना। तो देखो इसमें यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, एक हो गई, क्योंकि दो है ना, एक हो गया ना, एक मीटर, एक मीटर। ये लंबाई भी कितनी, एक मीटर। ये भी कितनी, एक मीटर। ये भी कितनी, एक मीटर। इधर भी एक मीटर, ये भी एक मीटर, यहाँ भी एक मीटर, और ये भी एक मीटर, ठीक है। और ये वाला है ना, ये एक ही टाइल है, तो ये आधा मीटर हो जाएगा। यहाँ भी एक ही टाइल है, आधा मीटर। यहाँ भी एक ही टाइल है, आधा मीटर। और यहाँ भी एक ही टाइल है, आधा मीटर हो जाएगा, ठीक है। इन सब को हम जोड़ लेंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। तो देखो हमें इसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप। अब बेटा परिमाप देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। इस लाइन के लिए एक मीटर, ठीक है, प्लस फिर इस लाइन के लिए भी एक मीटर, ठीक है, इस लाइन के लिए आधा मीटर, ठीक है, फिर प्लस इस लाइन के लिए एक मीटर, जहां दो टाइलें जुड़ी है ना वहां एक मीटर, जहां एक ही टाइल है वहां आधा मीटर, फिर इस लाइन के लिए एक मीटर, प्लस फिर इस लाइन के लिए आधा मीटर, फिर इस लाइन के लिए एक मीटर, ठीक है, फिर प्लस ये हो गई, अब इसके लिए भी एक मीटर, ठीक है, फिर प्लस देखो ये हो गए ना, इस लाइन के लिए भी आधा मीटर, ठीक है, फिर प्लस इस लाइन के लिए एक मीटर, फिर प्लस इस लाइन के लिए भी एक मीटर, फिर प्लस इसके लिए आधा मीटर, ठीक है। यहाँ से हमने शुरुआत करी थी, ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेंगे। एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन और एक चार, चार और एक पाँच, पाँच और एक छः, छः और एक सात, सात और एक आठ मीटर, तो ये हो गया, ठीक है। एक एक को जोड़ा तो आठ मीटर आया। अब देखो आधा यहाँ पर और आधा यहाँ पर, आधा और आधा एक, प्लस फिर आधा यहाँ पर और आधा यहाँ पर, आधा और आधा एक मीटर। तो देखो आठ और एक नौ, नौ और एक दस मीटर, ठीक है ना। तो बेटा ये जो नए तरीके से रखा शेरी ने, उसका परिमाप कितना आ गया, दस मीटर आ गया। और जो पहले अवनीत ने रखा था उसका कितना आया था, छः आया था, ठीक है। अब देखो सी, किसका परिमाप अधिक है बताओ बेटा, इन दोनों में किसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, शेरी का दस है, ठीक है ना, क्योंकि शेरी का परिमाप 10 है, जबकि नवनीत का परिमाप तो 6 है, तो शेरी का ज्यादा है। तो किसका परिमाप ज्यादा है, यहां लिखेंगे शेरी द्वारा टाइलों को रखने पर परिमाप क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि इसका ज्यादा आया, समझ गया ना बेटा। ये वाली जहां दो डिब्बे हैं ना वहां तो एक मीटर, फिर यहाँ दो डिब्बे तो एक मीटर, एक डिब्बा है तो आधा मीटर, दो डिब्बे है तो एक मीटर, फिर दो डिब्बे है तो एक मीटर, एक डिब्बा आधा मीटर, फिर दो डिब्बे एक मीटर, दो डिब्बे एक मीटर, एक डिब्बा आधा मीटर, दो डिब्बे, ऐसे लेना है आपको। दो टाइल है, डिब्बे नहीं टाइल है, ठीक है। अब देखो डी, अवनीत सोचता है कि क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे इसमें भी, जिससे इससे भी बड़ा परिमाप प्राप्त किया जा सकता है, क्या आप ऐसा करने का सुझाव दे सकते हैं, टाइलें किनारों से आपस में मिली हुई हो और टूटी न हो। इसने ये पूछा है कि टाइलों को क्या और ऐसे तरीके से क्या ऐसा कोई तरीका है टाइलों को रखने का कि इससे भी अधिक परिमाप आ जाए, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे हाँ, हम एक और तरीका है जिसे हम टाइलों को रखेंगे ना तो परिमाप ज़्यादा आएगा। अब वो तरीका क्या है, देखो टाइलें कितनी है, नौ। अब नौ टाइलों को हम बिल्कुल एक ही सीध में रखेंगे, देखो एक टाइल, दो टाइल, तीन टाइल, चार टाइल, पांच टाइल, छ, सात, आठ, नौ, ठीक है, इस तरह से हमने रख दी। अब देखो इसने तो टाइल टूटेगी और टाइलों के किनारे भी मिल जाएंगे, ठीक है ना, रख दी। अब इसका परिमाप ज्ञात करेंगे, देखो ये वाली कितनी है बेटा, एक बटा दो,
फिर ये इसकी भुजा एक बटा दो, फिर इसकी भी एक बटा दो, इसकी भी एक बटा दो, यहाँ भी एक बटा दो, यहाँ भी एक बटा दो, यहाँ भी एक बटा दो, सबकी जो टाइल है उसकी एक बटा दो है, और इधर से भी एक बटा दो, इधर से भी एक बटा दो, और जितनी लंबाई इधर होगी उतनी लंबाई इधर आ जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसकी भुजा निकालो। बताओ बेटा भुजा क्या होगी इसकी? देखो भुजा मतलब ये लंबाई, ठीक है ना, लंबाई, ठीक है, लंबाई ये वाली। तो देखो एक बटा दो गुणा कितनी टाइलें हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो ये नौ आ जाएगा, ठीक है। देखो नौ एकम नौ बटा दो, अब दो का भाग दोगे तो आ जाएगा 4.5 मीटर, ठीक है। तो ऐसा कितना 4.5। अब चौड़ाई, चौड़ाई मतलब ये रही एक बटा दो मीटर, अगर दो का भाग दोगे ना तो 0.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसका हमें ज्ञात करना है परिमाप। तो देखो ये जो तरीका हुआ वो हमने किस प्रकार से रखा, आयत बन गया नहीं है, क्योंकि ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आयत का परिमाप। सूत्र क्या है, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, दो का तो दो, लंबाई आई 4.5 और चौड़ाई आई 0.5, दो का तो दो, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। देखो ये हो जाएगा 5, 0.5 इसमें जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 दूनी कितना हो गया 10 मीटर, क्या हो गया 10 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से हम टाइल को रखते हैं तो परिमाप कितना आएगा 10 मीटर, यहाँ भी कितना आया था 10 मीटर ही आया था, ठीक है। तो आपको टाइलों को इस प्रकार से रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, समझ में आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उतारो।